पहाड़ की बेटी अंकिता भंडारी के हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग को लेकर कांग्रेसियों ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख वीरेंद्र कंडारी और नगर पालिका नरेंद्र नगर के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राणा के नेतृत्व में जुलूस निकाला गया। इसके साथ ही नंदीबैल चौराहे पर प्रदेश सरकार का पुतला भी फूंका गया। जुलूस के दौरान प्रदर्शनकारी अंकिता हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, जब महिलाएं अंकिता जैसी मारी जाएंगी तो बहू बेटियां घर से बाहर कैसे निकल पाएंगी के साथ ही नारे लगाए गए। प्रदर्शनकारियों का कहना है अंकिता भंडारी हत्याकांड देवभूमि को शर्मसार कर देने वाला है, मामला है हृदय विदारक। इस घटना को अंजाम देने वाले दरिंदों को फांसी के फंदे पर लटकाया जाए ताकि प्रदेश में ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वालों की रूह कांप उठे। टिहरी से बलवंत सिंह की रिपोर्ट। मैं तो यही कहूंगी कि हमारे उत्तराखंड में जो है हमारे उत्तराखंड की लड़की सुरक्षित हुई है तो हम अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए कैसे भेजेंगे। यहाँ की लड़कियाँ जो है बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। इसके ऊपर हमारी सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि अमीर हो गरीब हो किसी भी नेता की लड़की हो सब लड़कियाँ होती है। तो लड़कियाँ सुरक्षित रहेंगी तो हमारा देश सुरक्षित रहेगा, हम अपनी लड़कियों को सुरक्षित कर सकते हैं। तो ये सरकार क्या कर रही है, मैं तो यही कहूंगी उनके हत्यारों को जो है फांसी की सजा दी जाए। और देश का प्रदेश का और पूरे उत्तराखंड का युवा नौजवान और महिलाएं उनकी एक ही आवाज है, एक ही अपेक्षा है जल्दी हो सके ताकि पूरे देश में और उत्तराखंड के अंदर जो एक संदेश जाए कि अगर देवभूमि में ऐसा कोई कलंकित कार्य कर रहा है तो उस पर चाहे वो सरकार का आदमी हो चाहे किसी भी सत्तारूढ़ दल का आदमी हो बख्शा ना जाए।